देखिए, जो हमारे जो एक डेमोक्रेसी है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो ये सारे देश ने जो है चुनकर ये प्रधानमंत्री जो चुने हैं, तो वो डेमोक्रेसी का क्या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या कोई जेंडर या कोई एज या कोई वर्ग या कोई जाति देख के क्या प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो इस तरह की जो वो ओछी बातें करते हैं और हमेशा जो है वो संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, हमेशा उनके बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो उनको क्या, उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की? कल भी उन्होंने वहां पर एक कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही एक, मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की, कि ये जो ये कॉम्पिटिशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए, या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर ड्रग्स लेकर आप, मैं कह रही हूँ कि जब कोई इंसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो कॉम्पिटिशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, आपको लगता है कि कोई इंसान अपने 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 होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है? मुझे नहीं लगता कोई इंसान। बिटिया ने ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आया, भारत का खाता भी खुल गया। ये देखिए, भारत के लिए जो है ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे जितने भी खिलाड़ी जो है भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पे हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दिट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन। और पिछले 10 सालों में और खासकर पिछले 5-7 सालों में तो ऐसा लगता है जैसे मेडल्स की क्रांति सी आ गई है, और आई थिंक हम हर खिलाड़ी पे 2 से 3-4 करोड़ तक जो भारतीय जो है सरकार जो है वो स्पेंड कर रही है। बाकी जैसा मेरे क्वीन फिल्म में डायलॉग है कि इंडियन सबसे बेस्ट है, हर चीज में इंडियन बेस्ट है, बस एक गवर्नमेंट का साथ चाहिए था जो अब भारतीयों को मिल गया।